रामगोपाल यादव ने वोट कर दिया है, किन मुद्दों पर सर आपने वोट किया है यहाँ पर आकर? संविधान को बचाने के लिए नंबर एक, बेरोजगार लड़के लड़कियों को रोजगार दिलाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करवाने के लिए। सर दो फेज में मतदान हो चुके हैं, आज तीसरे फेज का मतदान हो रहा है, किस तरह से अब तक के आप मतदानों को देख रहे हैं? मतदान तो ठीक हो रहा है, हमारे लिए तो ठीक हो रहा है, उनके लिए खराब हो रहा है। 10 सीटों में आज जहां वोटिंग हो रही है, 2 सीट समाजवादी पार्टी के पास है, 2024 में क्या तस्वीर रहेगी? 10 में 10 जीत रहे, आप देखे हो सर्वे करके। बीजेपी राम की बात कर रही है सर, हम भी तो राम भक्त हैं। हम कौन से, हम उनसे योगी जी से उम्र में बड़े, उनसे पहले से राम के भक्त हैं। हम लोग तो हमेशा जब मिलते हैं दुआ सलाम भी एक दूसरे से करते हैं, तो राम राम ही करते हैं आज भी और पहले से भी। ये लोग तो नमस्ते करते थे, ये तो राम का नाम ही नहीं लेते, हमसे बड़ा कौन राम भक्त है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि राम मंदिर बीजेपी सरकार में बना है। ऐसा है, राम मंदिर तो हजारों बने हुए हैं, लोगों के मन मंदिर में राम है तो राम मंदिर है। लगता है सर मैनपुरी सीट मैसेज उत्तर प्रदेश से पूरे देश भर में देगा? बहुत बड़े मार्जिन से जीतने जा रही, बहुत बड़े, इसीलिए तो घबराए हुए सब लोग, इसीलिए घबराए हुए। सर फिरोजाबाद और बदायूं सीट पर भी वोटिंग हो रही है, आपके बेटे अक्षय यादव चुनावी मैदान में है फिरोजाबाद। जनता का समर्थन ऑब्जर्वर आ रहे हैं, आप लोग रास्ता दे दो, जनता का बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है, वे लोग भी वोट कर रहे हैं जो कभी वोट नहीं करते थे। बहुत शुक्रिया सर। देखिए साफ तौर पर कहना है कि जनता का समर्थन जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ है और समाजवादी पार्टी राम भक्त है। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, सैफई।